एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक तरफ घमासान मचाए कृषि कानून पर, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल संभालने के बाद शुरू की गई थी, और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश के अन्नदाताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्नदाताओं के लिए वरदान साबित हो रही है या नहीं, ये चेक करने की कोशिश एबीपी न्यूज ने की है। और इसी को लेकर हमने देश के अलग अलग राज्यों में जाकर तमाम किसानों से बातचीत की, पड़ताल की, और जाना कि इस फसल बीमा योजना से उनको कितना लाभ हुआ है। देश के अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार ने 13 जनवरी 2016 को फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने देश के किसानों से योजना का भरपूर लाभ उठाने की बात कही थी। सरकार की अपील का किसानों पर असर दिखा और किसानों ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल की। भारी बारिश से यवतमाल जिले की किसान किरण जाधव की फसल चौपट हो गई थी। ऐसे में किरण जाधव के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई प्रधानमंत्री फसल योजना। इस साल मैंने 5 एकड़ सोयाबीन बोया था, बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। 30 जुलाई को 1300 रुपये भरे थे, उससे मुझे 41,000 रुपये का लाभ मिला। किरण ने बताया कि अपनी फसल के हट जाने के लिए ऑनलाइन अर्जी दी थी, जिसके बाद तुरंत ही फसल के नुकसान की भरपाई हो। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के प्रतापगढ़ के किसान जयराज सिंह के साथ। जयराज सिंह सेना में कर्नल रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद अब वो खेती करते हैं। साल 2019 में जयराज की सोयाबीन की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई और इस मुश्किल घड़ी में काम आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2019 के अंदर अतिवृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फसलों का नुकसान हो गया, पानी भर गया खेतों में। ऐसे के अंदर मेरे को करीब 1,25,000 रुपये सरकार की तरफ से बीमा कंपनी के माध्यम से मुझे मिले। इसी प्रकार से कुछ बड़े बड़े किसानों को 3-3 लाख तक मिले और छोटे किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में मिले। फौज में सेवा देने के बाद अब किसानी कर रहे प्रतापगढ़ जिले के अरनोद गाँव के कर्नल जयराज सिंह तो अब इस योजना को लेकर दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। करीब 35,000 से ऊपर किसानों ने अपने अपने आवेदन दिए। मुझे बड़ी खुशी हुई जब इन सब के सब किसानों के आवेदनों को स्वीकार करके फसल बीमा कंपनी ने इनको 91 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया। साल 2019 में ही मध्य प्रदेश के सागर जिले के किसान रईस राजपूत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बारिश से रहटवास गाँव के किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ऐसे में रईस की उम्मीदें सरकारी योजना पर टिकी हुई थी। 22 एकड़ खेती के मालिक रईस राजपूत ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था। इसका फायदा ये हुआ कि बर्बाद हुई फसल की बीमा राशि के रूप में उनके खाते में 1,63,734 रुपए आ गए। इस रकम से उनकी खेती बाड़ी का आगे का रास्ता खुल गया। प्रधानमंत्री से पैसा मिले 1.5 लाख, उसके अपन ने उपयोग में अरे सोयाबीन मसूर लाओ, चना लाए, खाद लाओ, बीज लाओ, कछु ट्रैक्टर खड़ा होगा तो। हरियाणा के नूह जिले के किसान सईद अहमद की फसल ओले और बारिश से बर्बाद हो गई थी। गनीमत ये रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ था, जिसका लाभ उन्हें मिला और उनके खाते में पहुंच गए 1,49,000 रुपए। अच्छी कारगर स्कीम है किसानों के लिए, वो काफी लाभ मिला है। इसका लाभ 1,49,000 रुपए मिला है, जो कि मैंने कृषि की बेहतरी के लिए लगाया। ये तो महज चंद उदाहरण है। देश में करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनको इस सरकारी योजना का लाभ मिला है। आज फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस योजना में साल भर में 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक इस योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।